मेरे अत्यंत प्रिय साथियों, सभी को प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक सत्य घटना सुनाती हूँ। यूरोप में एक बार वैज्ञानिकों ने 8 बंदर पकड़े और पकड़ के एक प्रयोगशाला में बंद कर दिए और प्रयोगशाला की छत पर खूब बड़ा सा केले का गुच्छा लटका दिया और उसमें सीढ़ी रख दी और उसके बाद सब बंदरों को छोड़ के बाहर से कुंडी लगा ली। अब उसको उनको देखते रहे, उनकी निगरानी करते रहे। अच्छा, बंदर होता बहुत बुद्धिमान जीव, उसने सीढ़ी देखा, फटाक से उसने सीढ़ी को छत पे लगाया और केले तक पहुंचने का उसने प्रयास किया। जैसे उसने केले तक पहुंचने का प्रयास किया, यहाँ वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया, ठंडा पानी स्प्रे कर दिया जितने बंदर थे सब के ऊपर। वो बंदर तुरंत नीचे उतर आया। अब दूसरा बंदर चढ़ने लगा, फिर उन्होंने सबके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। अब वो फिर उतर आया, एक चढ़ा, दो चढ़ा, तीन चढ़ा, चौथे हिम्मत नहीं पड़ी। वो जान गए कि जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब वो ललचाई नज़रों से उसको देख रहे थे। अब क्योंकि बंदर को केला बहुत प्रिय होता है, लेकिन उसके बावजूद शांति से बैठे। वैज्ञानिकों ने देखा, वाह, ये तो सबके सब शांत बैठ गए, लगता है इन्होंने सीख लिया। उन्होंने उसमें से जो पहला बंदर था, बंदर नंबर एक, उसको बाहर निकाला और नए वाले बंदर को उन्होंने कमरे में डाल दिया। अब नया वाला बंदर आया, हैरान, ये क्या बात है, इतना बड़ा केले का गुच्छा लगा हुआ है सीढ़ी रखी हुई, सबके सब शांति से बैठे हुए हैं। उसने सीढ़ी लगाई और चढ़ने का ऊपर प्रयास किया। जैसे ही वो चढ़ने लगा, बाकी बंदरों ने उसको मारना शुरू कर दिया, पूंछ पकड़ खींच ली। वो बंदर हैरान, अरे ये क्या बात है, इन लोग का दिमाग खराब है क्या। उसने फिर चढ़ने की कोशिश की, फिर उन्होंने उसको पकड़ खींच लिया। अब वो शांति से बैठ गया उन्हीं 8 बंदरों के साथ जो था उसमें, वो शामिल होकर आराम से बैठ गया शांति से। अब वैज्ञानिकों ने बंदर नंबर 2 को बाहर निकाला और उसमें फिर एक नया बंदर डाल दिया उसकी जगह पर। अब दूसरा नया बंदर आया, उसने देखा इतना बड़ा केले का गुच्छा लटका हुआ है और ये सबके सब शांति से बैठे हुए हैं, ये क्या बात है। अब उसने भी सीढ़ी लगाई और उस पर चढ़ने का प्रयास किया। जब चढ़ने का प्रयास किया तो जो बाकी पुराने बंदर थे उनके साथ साथ नए वाला बंदर भी मिलकर उसको मारने लगे और उसको पकड़ के उसकी पूंछ खींच ली। अब क्योंकि जो नया बंदर आया था उसको कुछ पता नहीं था कि ठंडा पानी ऊपर डाला जाता था, या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसने बाकी बंदरों को जब ऐसा करता हुआ देखा वो भी बैठ गया। अब बंदर नंबर 2 उन्हीं के रंग में रंग गया, अच्छा अगर मैं ऊपर चढ़ूंगा तो ये सब मिलके मुझको मारेंगे, अब क्यों मारेंगे ये नहीं पता। बंदर नंबर 3 डाला गया और उसके बदले में तीसरा बंदर कमरे से बाहर निकाल दिया गया। अब जो बंदर नंबर 1 था, बंदर नंबर 2 जो दोनों नए आए थे, जैसे तीसरे बंदर ने ऊपर चढ़ना शुरू किया उन्होंने भी उसको मारना शुरू कर दिया। अब सारे बंदर ये समझ चुके थे कि जो केले का गुच्छा है वो केवल देखने के लिए है, हमें उसको हाथ नहीं लगाना। तो कहते बंदर इतना चंचल प्रवृत्ति का होता है, वो मरते दम तक गुलाटी मारना भूलता नहीं, बूढ़ा हो जाता फिर भी। लेकिन हम मनुष्यों का मन बंदर से भी ज़्यादा चंचल है, हम सभी बात को समझते हैं, जानते हैं, उसके बावजूद भी हम गलत काम करने से बाज नहीं आते हैं। तो क्या हम बंदरों से भी गैर गुजरे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।